नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ मर चुकी हैं। हाँ, वही एलिजाबेथ जिनके मुकुट में भारत से चुराया हुआ कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, वही एलिजाबेथ जिनके देश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। दोस्तों, लोग ये तो जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 120 साल तक राज किया, लेकिन नई पीढ़ी के बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अंग्रेज भारत आए कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनाई लेकिन उनको पनाह कैसे मिली, किसने अंग्रेजी दारू के चक्कर में अंग्रेजों को भारत में घुसने दिया, सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत के लोग आखिर क्यों दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी का ये नारा लगाने लगे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, जैसे पतंजलि, जैसे पीटर इंग्लैंड, जैसे होंडा, जैसे टीवीएस, डोमिनो, स्विगी, ओला, ऐसी ही एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में खरीदने और बेचने का व्यापार करना चाहती थी। अगस्त का महीना था, साल था 1608। बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी। गुजरात में सूरत बंदरगाह पर एक अंग्रेज उतरा जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आउटलेट भारत में खोलना चाहता था। अकबर के शहजादे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर की उपाधि के साथ तख्त पर आसीन हो चुके थे। नई नई बागडोर थी, जैसे मोदी जी कांग्रेस को हटाकर आए तो बहुत सारी चीजें बदल डाली, बिल्कुल वैसे ही जहांगीर भाई साहब शासन में सुधार कर रहे थे। कान नाक और हाथ काटने वाली जो सजा थी उसे खत्म कर दिया था। शराब पर दिन में पाबंदी भी लगा दी थी, जानवरों की बलि देने पर भी पाबंदी लगा दी थी, जैसे योगी जी ने लगा दी थी। जैसे कई टैक्सेस हटाकर मोदी जी ने GST लगा दी है, वैसे ही जहांगीर ने कई अवैध करों को भी हटा दिया था। बिल्कुल राम राज्य जैसा माहौल बनाया जा रहा था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे, जैसे अब मोदी जी जमीन पर कानून हक दिलाने वाला मामला चला रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ ऐसे ही माहौल था। उत्तराधिकारी के कानूनों को भी सख्ती से लागू किया जा रहा था, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया है ना, वैसे ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का आदेश दिया गया था। फरियादियों की फरियाद के लिए महल की दीवार में न्याय की एक जंजीर लटका दी गई थी कि आओ भैया जंजीर हिलाओ और न्याय पाओ, वगैरह वगैरह ये सब चल रहा था। भारत में क्या चल रहा था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब उधर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला अपना भाई प्रपोजल लेकर पहुंच गया मुगल राजा के पास कि भैया हमारा ऐसा व्यापार है, आपके देश में हम धंधा करना चाहते हैं। अकबर का बेटा भाई साहब भारत का सम्राट जो था वो बोला कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, जैसे आए हो उल्टे पाँव वैसे निकल लो। उस समय मुगलों के पास 40 लाख मुगल सेना थी, ताकत मुगलों के हाथ में थी। मुगल चाहते तो ब्रिटेन में घुसकर अंग्रेजों को पीट कर चले आते। हॉकिंस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो राजा के साथ डील भी नहीं कर पाया, वापस चला गया। उसने ब्रिटेन में जाकर बताया होगा कि गुरु भारत में माल बहुत है, दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन वहां का जो राजा है वो मेरी बात ही नहीं माना। अगर भारत से व्यापार शुरू हो गया ना तो मौज ही मौज हो जाएगी, वहां के राजा लोग तो 2-4 किलो सोना खुश होकर दे देते। उसके बाद ब्रिटेन से थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मुझसे कहानी सुनने के बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि अंग्रेज कैसे भारत आए और मुगलों के शासन का अंत कर दिया। तो फिर सर थॉमस रो 1615 में मुगलों की राजधानी आगरा पहुंचा। मुगलों के समय भारत कैपिटल या राजधानी दिल्ली की जगह आगरा हुआ करती थी। थॉमस पढ़ा लिखा था तो वो जानता था कि अमीर लोगों को आखिर कैसे ग्रीट करना है, उनको कैसे खुश किया जाता है, क्योंकि जो राजा खुश होकर 2-4 किलो सोना गले से उतार कर फेंक देते हैं उनके पास भोकाल के साथ ही तो जाना पड़ेगा, जिससे वो भी हमारी औकात समझ जाए। थॉमस ब्रिटेन से बहुमूल्य उपहार यानी गिफ्ट्स लेकर, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर पहुंच गया, जिसमें शिकारी कुत्ते थे, तमाम तरह की इंग्लिश ब्रांड की शराब थी। अब कच्ची और देसी पीने वालों को जब अंग्रेजी मिल जाए तो पिलाने वालों से मित्रता तो हो ही जाती है। तो भैया 3 साल बाद थॉमस ने राजा को मना ही लिया। राजा जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर साइन कर दिया। समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत के सभी बंदरगाहों पर सामान खरीदने और बेचने की इजाजत मिल गई। बदले में यूरोप में जो भी चीजें बनती थी वो भारत को देने का वायदा किया गया। लेकिन गजब की बात ये थी कि तब भारत तो सोने की चिड़िया था और यूरोप युद्धों से ही परेशान रहता था, वहां कुछ ऐसा खास बनता ही नहीं था।
ये तय किया गया था कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट ये सब खरीदते थे। विदेशों में जाकर उन्हें महंगे दामों में बेच देते थे और खूब मुनाफा कमा लेते थे। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था। कंपनी जो भी वस्तु खरीदती उसका मूल्य चांदी देकर अदा करती थी, जो उसने 1621 से 1843 तक स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों को बेच करके जमा किया था। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के रहम करम पर भारत में थी, लेकिन साल था 1670 जब ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और खुद को उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत पे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों को भारत से भगाया, बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। अंग्रेजों की तूती बोलने लगी थी, भैया ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी ही थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की फौज थी। जहां व्यापार से कमाई नहीं होती थी, वहां अंग्रेजों की सेना लूटपाट करके सोना चांदी इकट्ठा कर लेती थी। जनता में अंग्रेजों का ऐसा खौफ था कि लोग कहने लगे थे कि दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी का। अंग्रेज शक्तिशाली हो गए थे। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों का सामना मुगलों से हुआ। मुगल तो ये समझते थे कि इन अंग्रेजों को हम ही ने पना दी है, हमारी बिल्ली हम ही से म्याओ, ये कैसे हो सकता है। मुगल सल्तनतों में अंग्रेजों को कर नहीं दिया जाता था। अंग्रेज सैनिकों ने बड़े अफसरों से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब, आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा। इसके बाद 1686 में 19 युद्ध पोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसीलिए युद्ध में मुगलों की ही जीत हुई। मुगल सेना ने दोस्तों अंग्रेजों को मक्खियों की तरह मारा था। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। सूरत के कारखाने को भी बंद कर दिया गया और बंबई में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित किया गया। कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी भी मांगी। मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। समझते जाइएगा दोस्तों अंग्रेजों ने कैसे गिरगिट की तरह भारत पर कब्जा किया। साल 1707 में समय ने करवट ली। बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई। तमाम छोटे छोटे राजा और मुगल आपस में लड़ने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भारत के ही लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, उनको सैलरी दी और राजाओं को अपनी सेना लड़ने के लिए किराए पर देने लगे। देखा दोस्तों, इसको कहते हैं व्यापारी का दिमाग। किराए के अंग्रेजों की सेना के रेट इतने ज्यादा होते थे कि राजा अपनी इज्जतें बचाने के लिए, अपना रौला गांठने के लिए अंग्रेजों की भाड़े की सेना तो ले जाते थे, लेकिन पैसे नहीं चुका पाते थे। इसीलिए राजा जी को अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। कहते थे, बेटा अब जो भी तुमने शाही खजाने में जनता से जो इकट्ठा किया है ना, वो आधा आधा बांटा जाएगा। अंग्रेजों के पास हथियार अच्छे अच्छे थे, इसीलिए मुगलों के तीर, तलवार, भाले ये सब काम नहीं आते थे। अंग्रेज सैनिक गोली मार कर निकल जाते थे। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे धनी अर्ध स्वायत्त राज्य बंगाल के शासक बने। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। बंगाल न केवल भारत में बल्कि विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया था और अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार ना करें। जब अंग्रेजों ने आदेश नहीं माना तो नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जिसके मन में पहले से राजा बनने की इच्छा थी। 23 जून
1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज जीत गए और मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बिठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस तरह भारत में लूटपाट का युग भी शुरू हो गया। अगले 50 सालों में भारत के ज्यादातर हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब अंग्रेज व्यापार की जगह पर भारत पर राज करने लगे थे। लगान वगैरह वो खुद ही वसूलने लगे थे। एक तरह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। बहुत सारे राजा और लोग अंग्रेजों से टकराते थे, लेकिन अंग्रेज बहुत ज्यादा क्रूर हो चुके थे। मुगलिया शासन अंतिम दौर में था। मुगलों ने जनता का खून निचोड़कर जो धन संपदा इकट्ठा की थी ना, वो शाही परिवार की विलासिता में खर्च हो जाता था। मुगल शहजादे, जिन्हें सुल्तान कहा जाता था, वे अपने आलस्य, निष्क्रियता, कार्यरता और विलासिता के लिए फेमस हो गए थे। कंपनी ने मानवीय त्रासदी से भी लाभ उठाया। जो चावल 1 रुपए का 120 सेर मिलता था, वो बंगाल के अकाल के दौरान 1 रुपए में केवल 3 सेर ही मिलने लगा। एक जूनियर अधिकारी ने इस तरह 60,000 पाउंड का लाभ कमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 सालों के शासनकाल के दौरान 34 बार अकाल पड़ा। सोचिए, मुगल शासन में अकाल के दौरान लगान यानी टैक्स को कम कर दिया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकाल के दौरान लगान बढ़ा दी थी। हाल ये था कि लोग रोटी के लिए अपने बच्चों को बेचने लगे थे। अंग्रेजों के पास तकनीक थी, मुगलों के पास अय्याशी ज्यादा थी। अहम बहुत सिर पर चढ़ चुका था। ये बात मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को पता चल चुकी थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के तकनीकी सहयोग के साथ कंपनी का विरोध किया। कंपनी को 2 युद्धों में हराया भी, लेकिन कंपनी ने भारत के दूसरे राजाओं को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया। जब कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली को 1799 में टीपू की मृत्यु की सूचना दी गई, तो उसने अपना गिलास हवा में उठाते हुए कहा था कि आज मैं भारत की लाश पर जश्न मना रहा हूं। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपनी 1834 की रिपोर्ट में ही लिखा था, अर्थशास्त्री के इतिहास में ऐसी विकट परिस्थितियों का कोई और उदाहरण नहीं मिल सकता। किसानों की आय पर 66% कर लगा दिया गया था, जो मुगल काल में 40% था। दोस्तों, नमक सहित रोज के उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया था। इसे नमक की खपत आधी हो चुकी थी और कम नमक का उपयोग करने के कारण गरीबों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा बुरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हैजा और लू से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निदेशक हेनरी जॉर्ज टकर ने 1823 में लिखा कि भारत को एक औद्योगिक देश की जगह एक कृषक देश में बदल दिया गया, ताकि ब्रिटेन में निर्मित सामान भारत में बेचा जा सके। 1833 में ब्रिटिश सांसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया और इसे एक सरकारी निगम में बदल दिया गया। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय का निर्माण किया, रेल चलाई, लेकिन इसका असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम को भारत से बाहर पहुंचाना था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटका लटका कर मारा और बहुत सारे लोगों को कुचल डाला। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। स्वतंत्रता संग्राम के अगले साल 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया और कंपनी की नौसेना को भंग कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक कंपनी शुरू से ही व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी भागीदार थी, इसीलिए कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। भारत आजाद होने तक ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही रिसर्च वाली वीडियोस आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, तो सलाम, जय हिंद।